नमस्कार, बीकेबी न्यूज के हिंदी बुलेटिन में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमणा आज हो रहे हैं सेवानिवृत्त। उनके अंतिम कार्य दिवस पर सुप्रीम कोर्ट से आज किया जाएगा सीधा प्रसारण। नागपुर शहर में बनेगा महाराष्ट्र का पहला विकलांग पार्क। 9000 जरूरतमंद लोगों को मुफ्त सहायता का वितरण। और नागपुर में गणेशोत्सव की पृष्ठभूमि में की गई कानून व्यवस्था को लेकर तैयारियों की ली गई समीक्षा बैठक। आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से जोड़ने की पहल। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमणा आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वहीं एनवी रमणा की सेरेमोनियल बेंच की कार्यवाही का उनके अंतिम कार्य दिवस पर सुप्रीम कोर्ट से आज सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसी के साथ आज जनता सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई की बेंच की कार्यवाही लाइव देख सकती है। 2018 के फैसले के बाद पहली बार सुप्रीम कोर्ट में लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। भाजपा के विधायक टेकचंद सावरकर इनका डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसमें कामठी के विधायक एक मराठी गीत आला बाबूराव इस गाने पर कार्यकर्ताओं के साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर विधायक तक का सफर विधायक टेकचंद सावरकर ने तय किया है। आइए देखते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान का कार्य किया जा रहा है। वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण और उनके जीवन में खुशी पैदा करने के लिए कई योजनाएं लागू की जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने संयुक्त रूप से किया। इसके तहत एक दिव्यांग पार्क का निर्माण किया जाएगा। पूर्व नागपुर के लता मंगेशकर उद्यान के पास इस उद्यान का निर्माण किया जाएगा। हिंगनघाट शहर का मुख्य आकर्षण केंद्र यानी हिंगनघाट शहर का शमशान क्षेत्र और उसका फ्लाईओवर है नागरिकों के लिए एक सेल्फी पॉइंट बन गया है। इसलिए शहर के साथ साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी नागरिकों की भीड़ हमेशा रहती है, लेकिन एक माह पूर्व आई बाढ़ के कारण फ्लाईओवर की सुरक्षा दीवार लोड के कारण क्षतिग्रस्त हो गई और चोर क्षेत्र में घूमने लगे, इसलिए चोर पुल से पत्थर भी चुरा कर बेच रहे हैं। पुलिस प्रशासन की उपेक्षा के कारण पुल पर थोड़ी सी चट्टान ही बची है। चूंकि फ्लाईओवर पर नागरिकों का नियमित आवागमन होता है, इसलिए सुरक्षा दीवार का होना आवश्यक है, क्योंकि सेल्फी लेने के बीच में अनहोनी घटना होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पुलिया न होने से हादसों की संभावना बनी रहती है। रोज जाने आने करतो, ये धोकादायक झालेला आहे पूल। इथं पाईप चोरीला चालली आहे, इथं पोलीस किंवा प्रशासनाने लक्ष द्यायला पाहिजे। खबरों के सिलसिले में वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।
नागपुर इज फेमस फॉर संतरे, टाइगर, जीरो माइल और सावजी खाना। और सावजी खाने को उसका असली स्वाद देते हैं सावजी मसाले, जिससे बनता है ऑथेंटिक सावजी खाना। मसालों में मसाले, अहिरकर ग्रुप के सावजी मसाले। ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। गणेशोत्सव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए शांतिपूर्ण माहौल में त्योहार मनाने के लिए नागरिकों को राजस्व और पुलिस प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। कलेक्टर डॉक्टर विपिन इटनकर ने अपील की कि सभी को एक गांव एक गणपति की नवीन अवधारणा के अनुसार त्योहार मनाना चाहिए। कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में गणेशोत्सव की पृष्ठभूमि में कानून व्यवस्था को लेकर तैयारियों की समीक्षा की गई। उस समय वो बोल रहे थे। डॉक्टर इटनकर ने कहा कि राजस्व एवं पुलिस विभाग गणेशोत्सव के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए सार्वजनिक गणेश मंडल और गणेश विसर्जन स्थलों पर आवश्यक कदम उठाए। विसर्जन के स्थान पर स्वच्छता, निर्माल्य विसर्जन, लाइट्स की व्यवस्था, बैरिकेड, स्वयंसेवक आदि की योजना बनानी चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी गणपति मूर्तियों को नदियों और झीलों जैसे प्राकृतिक जल स्रोतों में नहीं फेंकना चाहिए। घरेलू गणपति के साथ साथ सार्वजनिक मंडल गणपति को कृत्रिम तालाबों या घरेलू टैंकों में विसर्जित किया जाना चाहिए। तालुका स्तर पर नगर परिषद और राजस्व विभाग को बंजर भूमि और बंद खदानों के बारे में जानकारी एकत्र करनी चाहिए और कृत्रिम झीलों के निर्माण की योजना बनानी चाहिए। साथ ही सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल के स्थान पर तथा भीड़ प्रबंधन के लिए पुलिस की समुचित व्यवस्था की जाए। डॉक्टर रिटनकर ने नागरिकों से अपील की है कि वे शांतिपूर्ण माहौल में त्योहार मनाने के लिए प्रशासन द्वारा दिए गए उपायों में सहयोग करें। साथ ही प्रत्येक नागरिक की पहचान स्पष्ट करने के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग ने आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से जोड़ने की योजना बनाई है। तदनुसार नागरिकों को फॉर्म नंबर 6B भरकर चुनाव विभाग द्वारा नियुक्त मतदान केंद्र अधिकारी को जमा करना होगा। इसके लिए चुनाव विभाग की ओर से वोटर हेल्पलाइन ऐप तैयार किया गया है। इस ऐप के जरिए नागरिक वोटर आईडी कार्ड के साथ आधार कार्ड भी जोड़ सकते हैं। कलेक्टर डॉक्टर विपिन इटनकर ने अपील की कि इस ऐप का उपयोग करना बहुत आसान है और नागरिक इसके माध्यम से आधार कार्ड जोड़े। सरकार की इस पहल में जिले के सभी सार्वजनिक गणेश मंडल भाग ले और गणपति दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को लाभान्वित करे। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव विभाग द्वारा गणेश मंडल को इस पहल के तहत उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। वीकेबी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकडे के साथ ऐश्वर्या शिंदे की रिपोर्ट। मी आता नुकताच नांदेड जिल्ह्यामध्ये जॉईन केलेला असल्यामुळे सध्या मी तालुक्यांचे दौरे, एचओडींची मीटिंग आणि सगळ्या डिपार्टमेंट लाईन डिपार्टमेंटची बैठक घेऊन सगळ्या लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करून काय चॅलेंजेस आहे, पण ॲज अ डॉक्टर म्हणून हेल्थ जी आहे ते माझ्यासाठी सगळ्यात जवळची प्रायोरिटी नेहमीच राहिलेली आहे आणि राहणार पण आहे, कारण कोविडमध्ये काम केल्यानंतर जे हेल्थचे चॅलेंजेस होते ते आपल्याला कळलेले आहे, त्यामुळे हेल्थ विल बी माय फर्स्ट प्रायोरिटी आणि बाकीचे जे कारण आपण असं वन प्रॉब्लम वन सोल्यूशन करता येत नाही, कारण जिल्हा मोठा आहे, 14 तालुके आहे, सगळे चॅलेंजेस अर्बन आहे, रुरल आहे, रिहॅबिलिटेशनचे इश्यूज आहे, फ्लड अफेक्टेडचे हे आहे, इरिगेशनचे इश्यूज आहे, सगळं आपण ते चर्चा करून पुढील 15 दिवसामध्ये थोडं अभ्यास करून थोडं इन्फॉर्मेशन घेऊन त्याच्यानंतर आपल्याला सोल्यूशन काढता येईल। याच्यामध्ये ॲक्च्युली हा जो सीझनल आहे मान्सूनमध्ये थोडासा व्हायरलचा लोड जास्त असतो, त्यामुळे आपण ऑलरेडी आज मी सकाळी मीटिंग घेतलेली आहे, GMC IGMC याचे वॉर्डसुद्धा सुरू झालेले आहे। फक्त माझी एकच विनंती आहे नागरिकांना की त्यांनी स्वतःच्या हेल्थचा काळजी स्वतः करावं, इम्युनिटी आपली स्ट्रॉंग ठेवावी आणि थोडंसं तुम्हाला काही थोडं तब्येत अंगावर तो ताप काढायची गरज नाही, आपण जवळच्या हॉस्पिटलला जवळच्या क्लिनिकमध्ये जाऊन आपलं इन्व्हेस्टिगेशन आणि ट्रीटमेंट लवकरात लवकर जर घेतली तर कंट्रोलमध्ये येऊ शकतं। जनरली लोक जास्ती झाल्यावर हॉस्पिटलमध्ये जातात, त्यामुळे माझी विनंती आहे की आणि सिम्पटम म्हणजे खोकला सर्दी आल्याबरोबर आपण ट्रीटमेंट सुरू करावी। नाही तेच म्हणजे आता लोकांना असं वाटतं की कोविड जे केसेस म्हणजे कोविड संपलेला आहे, कोविड संपलेला नाही आहे, त्यामुळे जे प्रिकॉशन्स आहे मास्क घालणे जे 3 सूत्री जे आपण होती ते पालन केली तर मला वाटतं कुठेतरी आपण अजून मोठ्या प्रमाणामध्ये कोविडला आपण कमी करू शकतो। आज मी SP आणि सगळे म्हणजे तालुक्याला SDPO SDM तहसीलदार PI सगळे आम्ही VC घेतलेली आहे, त्याच्यामध्ये आम्ही गणेश मंडळांना पण बोलवलं होतं। आता आपला जो विषय आहे स्पेसिफिक हा कॉर्पोरेशनच्या निगडीत आहे की कॉर्पोरेशनमधले जे मोठे मोठे गणपती ते कुठे विसर्जन करणार, तर माझी नुकतीच मी आता कमिशनर साहेबांची आणि CP साहेबांशी त्यांच्याशी चर्चा करणार आणि जिथं कोऑर्डिनेशनची गरज असेल कॉर्पोरेशन आणि कलेक्टर कॉर्पोरेशनवर CP त्यांची तिथं आम्ही कोऑर्डिनेशन करून त्याचं काहीतरी सोल्युशन निघणार। मी काल जेव्हा सावनेरला गेलो मी 2-3 स्पॉट बघून आलो आणि तिथं ह्युमन इंटरव्हेन्शनच्या विना कसं आपल्याला चेकपोस्ट लावता येईल काय, आपल्याला भरारी पथकं बनवता येईल का, ते ऑलरेडी आमचे लोक करत आहे पण त्याला कुठंतरी कुठं फिक्स पॉईंट म्हणजे रेती चोरून आणल्यावरसुद्धा शहरामध्ये कुठं येतो तो चोक पॉईंट आपल्याला कुठंतरी आयडेंटिफाय करून तिथं फिक्स पॉईंट लावून तिथं बंदूकधारी आपले पोलीस अधिकारी पोलीस कर्मचारी ठेवता येईल का, त्याचं मी काल जेव्हा सावनेरला गेलो 2-3 तालुक्यात मी जाऊन आलो ते चर्चा करून
येत्या हप्त्या दीड हप्त्यामध्ये आपण काहीतरी सोल्युशन त्याला कंट्रोल आपल्याला कुठेतरी त्याच्यावर आणावं लागणार आहे. कारण आता पाणी असल्यामुळे रेती एक्सपोज झालेली नाही आहे. आता जसं पावसाळा कमी होईल, पाणी खाली जाईल, तेव्हा ही रेती एक्सपोज होईल, चोरीचं प्रमाण वाढू शकते आणि लोक ॲक्टिव्ह होऊ शकतात. त्यामुळे आपण कुठेतरी फिक्स पॉईंट्स लावून आणि ती स्ट्रॅटेजी आम्ही कुठेतरी चॉकआउट करणार आहे. तेच म्हटलं ना, मी आणि SP कंबाईन, मी कालच SP सोबत आज मीटिंगमध्ये घेतलं, त्यांच्याशी मी फोनवरही कनेक्टमध्ये आहो आणि काल आम्ही चर्चासुद्धा केलेली आहे. इट विल बी कंबाईंड ॲक्शन. जर ॲक्शन होईल तर, जर चूक केली तर कोणाला पण स्पेअर करायला जाणार नाही, मग ते महसूलचे राहो की पोलीसचे राहो की ग्रामीण भागातले जिल्हा परिषदेचे कर्मचारी राहो. त्यामुळे इट विल बी कंबाइंड ॲक्शन अँड कंबाइंड स्ट्रॅटेजी. राकंबा की ओर से कल 25 अगस्त को सुबह 9 बजे से आष्टी में धरना प्रदर्शन किया गया. इस समय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नागपुर मंडल अध्यक्ष शाहीन भाभी हकीम के नेतृत्व में आष्टी के अम्बेडकर चौक पर धरना प्रदर्शन किया गया. उनकी मुख्य मांगों के निवेदन को चमोर्शी के तहसीलदार नागतिलक ने स्वीकार कर लिया. इस समय आष्टी थाने के पुलिस निरीक्षक कुंदन गावड़े मौजूद थे. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी धर्मराव बाबा आगे बढ़ो. आष्टी आलापल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क की तत्काल मरम्मत की जाए. आलापल्ली अहेरी महागांव सड़क की तुरंत मरम्मत की जाए. कोनसारी घाटकुर सड़क को तत्काल सुधारा जाए और भारी यातायात को रोका जाए. आष्टी में वैनगंगा नदी पर पुल का काम तत्काल पूरा किया जाए. कोनसरी लोह परियोजना में स्थानीय बेरोजगार युवाओं को प्राथमिकता दी जाए. आलापल्ली से सिरोचा राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर 1 माह के भीतर तत्काल कार्य प्रारंभ किया जाए, अन्यथा राजमार्ग पर आवाजाही रोक दी जाएगी तथा आंदोलन किया जाएगा. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा लिए गए निर्णय के कारण, जब मेदीगट्टा बांध के कारण हमारे किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ, तो सिरोचा तालुका के कई गांवों में बांध, कृषि घरों से आने वाले पानी के कारण, बाढ़ की स्थिति के कारण और जानवरों को भी भारी नुकसान हो रहा है. यद्यपि सूरजगढ़ लोह अयस्क परियोजना से कच्चा माल ले जाने वाले ट्रक पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन कर रहे हैं, उन ट्रकों पर तुरंत तिरपाल बांध दिया जाना चाहिए. आष्टी गांव को एक नया तालुका घोषित किया जाना चाहिए. उपरोक्त मांगों को जल्दी से स्वीकार किया जाना चाहिए, अन्यथा तीव्र आंदोलन होगा. ये चेतावनी शाहीन भाभी हकीम महिला अध्यक्ष व नागपुर मंडल अध्यक्ष रवि वासेकर, जिलाध्यक्ष NCP गढ़चिरौली रिंकू पापड़कर, लीलाधर भारद्वाज NCP युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष गढ़चिरौली, बबलू भैया हकीम, नेमाजी घोगरे NCP यूथ जिलाध्यक्ष व अन्य कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में दी गई. आज हमारा आष्टी में चक्का जाम आंदोलन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी गढ़चिरौली की तरफ से हम लोगों ने यहाँ पे किया हुआ है, क्योंकि हमको केंद्र सरकार के खिलाफ ये आंदोलन करना पड़ा. 3 साल से हमारा केंद्र का जो ये रास्ता है सिरोंचा से आष्टी तक का जो रास्ता केंद्र सरकार का सैंक्शन हो चुका है, फिर भी अभी तक काम शुरू नहीं हुआ. इसलिए आज हम लोग ये चक्का जाम कर रहे हैं. 8 दिन के अंदर अंदर ये काम शुरू होना चाहिए, ऐसी हमारी मांगनी है. उसके बाद ओला दुष्कार जाहिर होना चाहिए. हमारा जो आलापल्ली से लेके महागांव वो एक रास्ता, महागांव से आष्टी का को आने का रास्ता, ये सारे रास्तों का दुरुस्ती जल्दी से जल्दी होना चाहिए, ऐसी मांगनी लेके हम लोग आज आष्टी के मेन चौक में चक्का जाम आंदोलन कर रहे हैं. VKB न्यूज के लिए गढ़चिरौली से गणेश शिंगाड़ी की रिपोर्ट. पिछले 15 वर्षों से हर साल की तरह इस साल भी अकोला के राजा, जो मालीपुरा लालबाग एकता गणेशोत्सव मंडल की ओर से बिठाए जाते हैं और जो मन्नत को पूरा करते हैं, ऐसे लोगों की श्रद्धा है. इस गणेश की भव्य मूर्ति का आगमन आज हुआ. श्री का आगमन एक भव्य रथ में वारकरी बंधुओं के साथ ढोलताशा मृदंग की आवाज में अकोला शहर के मुख्य मार्ग से गुजरा. श्री मालीपुरा लालबाग मंडप में गणेश जी की स्थापना की जाएगी. मागील 2 वर्ष जे कोरोनाचं वैश्विक संकट आलं होतं, त्यानंतर यावर्षी हा हर्षोल्लासामध्ये जे अकोल्याचा राजा श्री लालबागचा राजा यांची ही मिरवणूक यावर्षी काढण्यात येत आहे. जठारपेठ चौकातील श्री शिवाभाऊ मोकळकर मूर्तीकर यांच्या घरापासून ते जठारपेठ चौक, रतनलाल प्लॉट, टावर चौक मार्गे बस स्टँड मार्गे सिटी कोतवाली द्वारा श्री मालीपुरा एकता गणेश उत्सव मंडळ माणिक टाकीजसमोर इथे याची स्थापना होत आहे. नवसाला पावणारा आगीला धावणारा असा हा अकोल्याचा लालबागचा राजा आहे. अकोला शहरातील संपूर्ण नागरिक या लालबागच्या राजाचे भक्तिपूर्ण दर्शनाला येतात आणि सर्वांच्या मनोकामना पूर्ण करणारा असा हा लालबागचा राजा आहे. दरवर्षी पारंपरिक पद्धतीने टाळ, मृदुंग आणि दिंडीच्या स्वरूपात आम्ही यांची शोभायात्रा काढत असतो आणि या मूर्तीची आमचं हे यावर्षी 15वं वर्ष आहे आणि मंडळाचं 41वं वर्ष स्थापने. तो VKB न्यूज के हिंदी बुलेटिन में अब बस इतना ही. फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ. तब तक देखते रहिए VKB न्यूज. नमस्कार.